हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक ऐड से जो लीड हैं वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में दो तरीके बताऊंगा मैं। अगर आपका कोई पहला जो तरीका है वो काम ना करे तो आप दूसरा तरीके से लीड को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप एक अच्छी फेसबुक ऐड लीड जनरेशन कैसे चला सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लीड को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर आना है। उसके लिए आपको facebook.com/ads manager के ऊपर जाना है और आपका कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद में आपको कैंपेन दिखाई देगा यहाँ पे, उसके बाद में है एड सेट और फिर एड्स। आपको यहाँ पे एड्स के ऊपर क्लिक करना है। एड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे एड आ चुके हैं। आपको नीचे से स्क्रॉल करके इसको राइट साइड में लेके जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लीड्स हैं वो आ चुकी हैं। आप जिस भी ऐड की लीड डाउनलोड करना चाहते हैं उसके सामने आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ये अभी नया ऑप्शन आया है जो कुछ के ऐड मैनेजर के अंदर ये नहीं दिखाई देगा या फिर होगा, आप वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट चूज़ करना है और कोई भी किसी फॉर्मेट के ऊपर चूज़ करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी। अब जो दूसरा तरीका है वो है आपको व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो ऐड है हमारी, इसका इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको कैंपेन या फिर ऐड सेट में नहीं जाना, आपको एड्स के अंदर लीड जो व्यू चार्ट है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी जो ऐड है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो कॉर्नर में जो राइट कॉर्नर है ऊपर वाला, यहाँ पे आपको तीन डॉट्स दिखाई देंगे, इनके ऊपर क्लिक करना है और मोर ऑप्शंस के ऊपर आना है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा डाउनलोड लीड्स डाटा, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो आपका जो लीड का डाटा है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।